दूसरे वक्ता दूसरे प्रपत्रवाचक डॉक्टर मिर्जा हाशिम बेग आदिल शाही कालीन गद बीजापुर पर अपना आलेख प्रस्तुत करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना आलेख प्रस्तुत करें। मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए मेरे गुरुवारी एवं मेरे मित्रों, आज गोष्ठी का दूसरा दिन, दूसरे दिन का संस्थापक था स्वयं विद्या एवं कला का प्रेमी था। इतना ही नहीं, वह स्वयं कवि और संगीतज्ञ भी था। इस कारण कलाकारों एवं अन्य आठों शासक या तो कवि थे या फिर स्वयं कलाकार, विद्वान और संगीतज्ञ थे। कई ने दखनी में उत्कृष्ट रचनाओं का निर्माण भी किया। यूसुफ आदिल शाह के समय में दखनी के श्रेष्ठ कवि एवं सूफी संत शाह मीरानजी शमशुल उशाक बीजापुर में रहते थे, तो उनके पुत्र बुरहानुद्दीन जानम ने दखनी की कई उच्च कोटियों के ग्रंथों का निर्माण किया। वे इस्माइल आदिल शाह के शासनकाल में साहित्य रचना कर रहे थे। स्वयं इस्माइल आदिल शाह भी वफाई उपनाम से कविताएं करते थे, जिसका उल्लेख कई प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों में मिलता है। चौथे शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने राजधर्म शिया को बदलकर सुन्नी में ला लिया, जिससे कई दखनी के कवि बीजापुर आए, जो गुजरात, अहमदनगर और औरंगाबाद के थे। ये कवि नहीं थे किंतु कला प्रेमी थे, जिससे दखनी का महत्व बढ़ा। दखनी बोलचाल की भाषा बनने में मदद हुई। अली आदिल शाह भी कला एवं संगीत प्रेमी था। इसी ने शहर में नई मस्जिदें एवं बाग बनवाई, किंतु यह फारसी प्रेमी था, इससे दखनी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद दखनी का छठा शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बना, जिसे विद्या, कला, साहित्य, संगीत में बेहद दिलचस्पी थी। इसी ने किताब नवरस की रचना की। यह संगीत की उच्च कोटि की रचना है। यह ग्रंथ दखनी हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने राजभाषा फारसी को बदलकर दखनी बना दिया। दखनी के कवियों को पुरस्कार एवं सम्मान दिए जाने लगे, जिससे दखनी के प्रति कवियों का रुझान बढ़ता गया। इसके उपरांत सातवें शासक मोहम्मद आदिल शाह बने, जो साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। इनकी पत्नी भी दखनी साहित्य प्रेमी थी। उन्हीं के आश्रम में रुस्तुमी एवं खुशनुद जैसे कवि साहित्य साधना कर रहे थे। इसके शासन काल में दखनी को बहुत ही प्रश्रय मिला। सनती और शौकी भी इन्हीं के दरबारी कवि थे। मोहम्मद आदिल शाह के उपरांत अली आदिल शाह द्वितीय बीजापुर राज्य का शासक बना, जिसका शासनकाल युद्धों का काल रहा, किंतु इन्होंने कलाकारों, साहित्यकारों को उचित सम्मान एवं पुरस्कार दिए। दखनी के साहित्यकारों को तो विशेष पुरस्कार दिए जाते थे। अली आदिल शाह द्वितीय भी शाही तखल्लुस से अपनी रचनाएं करते थे। उनका काव्य संग्रह इन दिनों प्राप्त हुआ है, जिसे प्रकाशित भी किया जा चुका है। हाशमी, नुसरती, मलिक, अयाजी जैसे श्रेष्ठ दखनी कवि इन्हीं के समकालीन थे। आदिल शाही के अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह थे। वे हमेशा युद्ध में तल्लीन रहते। साहित्य एवं कला के प्रति वे अधिक रुचि दिखा नहीं पाए, किंतु दखनी का साहित्य इस समय उरूज पर था। अब उसे शासक के दरबार की आवश्यकता नहीं थी। दखनी जन सामान्य की भाषा बन गई थी। कवियों के दखनी कसीदे एवं मरसिए लोग बाजार हाटों में गाते फिरते थे। सही अर्थ में यह दखनी का स्वर्ण युग था। अब आदिलशाही शासनकाल के अंतर्गत लगभग 40 कवियों की रचनाएं प्राप्त होती हैं। अभी तक जो अध्ययन हुआ है, संशोधन हुआ है, उससे 40 कवियों की रचनाएं हमारे सामने आई हैं। उनमें से 15-20 के नाम और उनकी रचनाओं का मैं यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ, जिनमें शाह मीरानजी शमशुल उशाक, इनकी लगभग 12 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6 दखनी की हैं: शहादतुल हकीकत, खुशनामा, खुशनद और शाहकतनामा। दूसरे इनके पुत्र शाह बुरहानुद्दीन जानम, इन्होंने लगभग 40 रचनाएं लिखी हैं, सब की सब दखनी के अंतर्गत लिखी हुई हैं। इनके बाद तीसरे कवि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिनका किताब नवरस, इससे हम सब लोग वाकिफ हैं। चौथे अफजल, इनका इब्राहिम नामा। पांचवे मुखिमी, जिनका चंद बदर व महियार। छठे अमीन, बहराम व गुल अंदाम। आठवें शौकी, जिनकी 3 रचनाएं उपलब्ध होती है: फतहनामा, निजाम शाह और मिजबानी नामा। आठवें सनती, जिनका किस्सा बेनजीर प्रकाशित हो चुका है। नवे है खुशनूद, जिनके हस्त बहिष्ट और बाजार हुस्न। दसवें है रुस्तुमी, जिनका खबरनामा। बारहवें है नुसरती, जिनके गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ इस्कंदरी।
तीन ग्रंथ मिलते हैं। उनके बाद अली आदिल शाह शाही, जिनका कुल्लिया जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है, जो प्रकाशित हो चुका है। अमीनुद्दीन अली अमीन, जिनका मोहब्बतनामा। मीरा हाशमी, जिनका यूसुफ जुलेखा। अयागी, इनका नजातनामा। शगीली, इनका पंदनामा। मुर्तुजा, इनका वसलनामा। हुसैनी, इनका एक दीवान प्राप्त हुआ है। इनके बाद शाहमीन और मौजन, ऐसे लगभग 40 कवि हैं, जिनमें से मैं यहाँ पर 6 कवि और उनकी 5-6 कवि और उनकी रचनाओं के संबंध में यहाँ पर बात करूँगा। आदिलशाही काल में अनेक दक्षिणी कवियों ने काव्य लिखा। कई रचनाएं फारसी लिपि में और नागरी लिपि में प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पांडुलिपियाँ ग्रंथालयों में प्रकाशित होने का इंतजार कर रही है। मैं यहाँ सभी रचनाओं का उल्लेख तो नहीं कर सकता क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें से इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का नवरस, इस पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। इनका समय 1580 से 1627 रहा है। इन्होंने कई गजलें, मरसिये और कसीदों की रचना की, किंतु इनका किताब नवरस जो गीत संग्रह है दखनी में विशेष महत्व रखता है। इनके दरबार में फरिश्ता, रफीउद्दीन शिराजी जैसे इतिहासकार थे। दखनी कवि एवं भाषा को यहाँ विकसित होने का पूरा साजो सामान था। नवरस का प्रकाशन प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने कराया। इब्राहिम आदिल शाह को संगीत और राग का पूरा ज्ञान था, जिसकी प्रचिति हमें किताब नवरस से प्राप्त होती है। इसमें कई रागों का उल्लेख है, जिनमें राग भूपाली, रामकली, भैरवी, पूरबी, आसावरी, देसी, तोड़ी, गैरी, केदार, धनासरी, कानड़ा और कल्याण आदि रागों पर इन्होंने इसके गीतों की रचना की है, जिसमें 57 गीत संकलित हैं। दखनी सलातीन में जात एवं धार्मिकता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, यह किताब नवरस से ज्ञात होता है। इसके गीतों में हिंदू देवी देवताओं की खूब तारीफ देखने को मिलती है, जिनमें शिव, पार्वती, सरस्वती, गणेश, इंद्र आदि प्रमुख है। विद्या की देवी सरस्वती की स्तुति करते हुए वे कहते हैं, नवरस सूर जुग जूनी, आनंद सर्वगुनी, यू सत्य सरस्वती माता, इब्राहिम प्रसाद भयोदुनी। अर्थात, हे माता सरस्वती, तुम्हारी कृपा दृष्टि अगर इब्राहिम पर रहेगी तो संसार में उसके नवरस को कई दिनों तक पढ़ा जाएगा और वह अनंत काल तक लोगों के स्मरण में रहेगा। इन्होंने नारी सौंदर्य में भी बहुत लेखनी चलाई है। प्रेसी की आँखों का वर्णन करते हुए वह कहते हैं, कागत श्वेत निर्मल नयन, सुंदरा अक्षर खत कीर काजर, बीच सिक्का तारिका पलखा, लखोटी लपेटे तापर। अर्थात, तुम्हारी आँखों की सफेदी कागज है, उनमें लगाया हुआ सुरमा मेरे लफ्ज है, और दीदों में मेरी मूरत अर्थात मुहर है, और आँखों के ऊपर की पलकें मेरे खत का लिफाफा है। नवरस में श्रृंगार के दोनों रूप देखने को मिलते हैं। प्रियतमा के आँखों के सौंदर्य पर वे इतने आसक्त हो गए कि चंचल और मादक आँखों के बदले में मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ, वे ऐसा करते हैं। मस्त नयन होर अपचल अमूले, यूं रे बोल राखे जीव साथ तो अव्वल हूं रे। इस कारण अली आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु के रूप में भी उन्हें स्मरण किया जाता है। आदिलशाही काल के दूसरे महत्वपूर्ण कवि है मुल्ला नुसरती। इनका मूल नाम मोहम्मद नुसरती है। इनके पिता एवं दोनों भाई आदिलशाही शासन के अंतर्गत सिपाही थे। ये स्वयं भी सिपाही थे, लेकिन अली आदिल शाह ने इन्हें वहाँ से लेकर इन्हें काव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। वे उन्हें अपना गुरु मानते हैं और इस बात को वे अपने ग्रंथ में व्यक्त करते हैं। कहते हैं वे, मुझे तरबियत कर तू जाहिर किया, शौरिस हुनर का दे शायर किया, मुझ उस्ताद ए उस्ताद आलम अछे, जितता इल्म अजबर जिसे जम अछे। इनके तीन ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तीन ग्रंथ में गुलशन ए इश्क, अलीनामा और तारीख़ ए इस्कंदरी है। इसमें पहला ग्रंथ जो गुलशन ए इश्क है, विद्वानों ने इसकी तुलना शेख अब्दुल्ला मंझन के मधुमालती से की हुई है, क्योंकि दोनों का कथानक तकरीबन एक समान है, एक जैसा ही है। इसके अंतर्गत का जो सौंदर्य वर्णन है और विरह वर्णन है, वे बहुत ही सजीव जान पड़ता है। जहाँ तक उसका मैं पूरी तरह से उल्लेख नहीं करूँगा, उनकी तीसरी रचना जो है तारीख़ इस्कंदरी, इसका उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा, जो ऐतिहासिक है। यह बीजापुर के अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह से संबंधित है।
इसका काल सन 1677 अर्थात हिजरी 1083 है, जिसका लेखन तब किया गया जब बीजापुर राज्य पूरी तरह से खस्ता हाल में था। सुल्तान अली आदिल शाह अपने जीवन के अंतिम दशा को पार कर रहे थे। पूरे राज्य के वफादार और गद्दारों का यह इतिहास कहा जा सकता है। इसमें बहुत कम जगह कवि भावनिक हुआ है। युद्धों का वर्णन बेहद सजीव जान पड़ता है। नवाब बहलोल खां की सेना का पराक्रम दर्शाते हुए नुसरती कहते हैं, हुई लाल भूई यूं वो काली सगट, बीजापुर कन जू की जोगी का मठ, नजर रन के मुर्दियां को देखत थकी, कहे तू कि पर्दा है यह नाटकी। अर्थात काली भूमि पूरी तरह से रक्त से लालमय हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे बीजापुर के समीप किसी जोगी का मठ हो। जिधर भी नजर डालो लाशें ही लाशें नजर आती हैं। इसे देखकर लगता है यह सच्चाई नहीं बल्कि किसी नाटक का पर्दा है। अपनी इस रचना के लेखन के उद्देश्य में वे कहते हैं कि संसार के अंतर्गत मुझे अपना नाम कराना था, इसलिए मैंने इस रचना का निर्माण किया है। इस रचना के संबंध में पिछले समकालीन साहित्य पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि इसके ऊपर तारीख इस्कंदरी और आदिकालीन रचना पृथ्वीराज रासो, इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत युद्ध का वर्णन सजीव लगता है और वीर रस से दोनों ओतप्रोत हैं, तो दोनों पर अध्ययन हो रहा है। तीसरे इसके प्रमुख कवि आदिलशाही दौर के मीरा हाशमी, इनका मूल नाम सैयद मीरा और काव्य नाम हाशमी था, ऐसा विद्वानों का कथन है। मीरा हाशमी सुल्तान अली आदिल शाह के शासनकाल के कवि हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हाशमी आँखों से अंधे थे। इनकी दो रचनाएं अब तक प्राप्त हुई हैं, एक यूसुफ जुलेखा जो मसनवी हैं और दूसरा इनका गज़लों का दीवान भी प्राप्त हो चुका है। यूसुफ जुलेखा इनकी बहुचर्चित मसनवी है जिसमें लगभग 6000 से अधिक पद हैं, किंतु इसका उद्देश्य तसव्वुफ है। यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष उजागर होते हैं। कवि ने मुहावरे उक्तियां एवं कहावतों का खूब प्रयोग किया है। इसके समान यथार्थ चित्र दूसरे किसी दखनी कवि ने नहीं खींचे। गजल, रेख्ती, मरसिए आदि पर इनकी कलम चली है। इसका एक उदाहरण इस रचना का देना चाहूँगा। साजन आवे तो पर्दे से निकलकर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियों का हार बैठूंगी। उन्हों आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, इठलाती और मठलती चुप घड़ी दो चार बैठूंगी। नजीक में उनके जाने को खुशी सुशाद हो दिल में, वले लोगा में देखने को हो बेजार बैठूंगी। अर्थात उसका प्रियतम जब आ रहा है तो वह झूठ मूठ का रूसी हुई है और वह चाहती है कि उसका पति भी, उसका प्रेमी भी उसे थोड़ा फुसलाए, थोड़ा समझाए, इसलिए वह उससे झूठ मूठ का नाराज होकर बैठती है। और बाद में उसके मन की अंतर्मन की दिशा भी अंतिम दो पंक्तियों में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उसके नज़दीक जाकर बैठूँ, लेकिन उस चाह में भी और चाहती हूँ कि वो मुझे मनाए। इसका देवसिंह चौहान ने सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और इसके गज़लों के संबंध में वे कहते हैं कि यह गज़लें न होकर दखनी की लावनियाँ हैं। अब मराठी भाषिक आप लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे परिचित हैं, लावनी से परिचित हैं, तो जिसके जिसके अंतर्गत नारी मन की व्यथा को दर्शाता है और उन्होंने इसमें सूक्ष्मता से उस भाव को दर्शाया हुआ है। इस दौर के चौथे महत्वपूर्ण कवि है सनती, जिनका किस्सा बेनजीर यह ग्रंथ है। आदिलशाही कवियों में सनती का अपना मकाम है, जिनकी मसनवी किस्सा बेनजीर पौराणिक आधार पर लिखी गई है। सनती का मूल नाम मोहम्मद इब्राहिम खां और काव्य नाम सनती है, जो मोहम्मद आदिल शाह और सुल्तान अली आदिल शाह के शासनकाल में विद्यमान थे। वे फारसी के विद्वान थे, किंतु मित्रों के कहने पर उन्होंने किस्सा बेनजीर को दखनी हिंदी के अंतर्गत लिखा है। इस सब इस संबंध में वे कहते हैं कि इसे फारसी बोलना शौक था, वले मैं अजीजा को यूं जोक था कि दखनी जबां सो इसे बोलना, जो सीपी में मोती रमन रोलना। किस्सा बेनजीर में मसनवी शैली की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। साथ ही कवि ने मौके ब मौके पर इस्लाम धर्म की महत्ता भी प्रतिपादित की है। सूफी विचारधारा को प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया, जिससे उत्सुकता एवं रोचकता निर्माण हुई है। पांचवे इसके मुखिमी कवि हैं, जिनका ग्रंथ चंद बदन महियार है। इसके अंतर्गत एक हिंदू लड़की
जो महिया चंद बदर नाम की लड़की है, हिंदू राजा की लड़की है, वह और मुस्लिम सौदागर महियार की कथा है जो सूफी तत्वों को आधार बनाकर लिखी गई है। इसका विरह वर्णन दिल को छू जाता है। विरह में प्रेमी और प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है और उन्हें अंत तक अलग न किया जा सकता है, जिससे एक ही कब्र में दोनों को दफनाया जाता है। इसकी शैली भी मसनवी है। और अंतिम छठे कवि हैं अब्दल, जिनका इब्राहिम नामा दखनी की बहुत बहुचर्चित रचना है। इसका प्रकृति वर्णन बेजोड़ है। उनके अनुसार इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के कहने पर उन्होंने इब्राहिम नामा की रचना की है। इसको भी मसनवी शैली के अंतर्गत कई शीर्षकों और उपशीर्षकों के अंतर्गत इसे विभाजित किया गया है। कुछ विद्वानों का इसके संबंध में मतभेद हैं कि वे कहते हैं कि इब्राहिम नामा एक मसनवी न होकर अलग अलग गीतों का या अलग अलग गजलों का इसमें निर्माण किया गया है, अलग अलग लिखे गए हैं। सुल्तान के ग्रस्त जीवन को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, इसलिए सुल्तान के पारिवारिक जीवन का वर्णन भी इसके अंतर्गत मिलता है। प्रकृति वर्णन में कवि का मन बहुत रमा है। रात के चंद्रमा को देखकर वह कहता है, मानो अंधेरे की शराब चंद्रमा को पिलाई गई है, अंधेरे की कोई ले दारू पिलाए, जिसे चांद मुख बिन सियाही सुआए। सुबह के निकलने वाले सूरज के मनोहारी दृश्य को भी कवि ने कलमबंद किया है। बीजापुर शहर के रमणीय दृश्यों का वर्णन करते हुए भी वह नहीं चुका है। नवरस महल, नवरस उत्सवों का वर्णन भी इस रचना में मिलता है। कवि नारी सौंदर्य का वर्णन सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि उसके माथे की बिंदी सूरज को भी फीकी कर देगी और उसका सुंदर मुख चांद को भी शर्मा देगा। कोई जड़त टीका पेशानी में लाए, खड़ा सूरज यूं सुबह मैदान मैदान आए, अजब टूट बिजली पड़े चांद में, दिसे खुए बुंद मुख नरमी से गर्मी निस्या। अंत में कहना चाहूँगा, दखनी के अन्य प्रसिद्ध काव्यों का परिचय मैं पहले ही दे चुका हूँ, उन पर यहाँ विस्तार से विवेचन करना संभव नहीं है, किंतु सभी काव्यों पर नजर डाले तो उनमें एक समानता दिखाई देगी, वह है मसनवी शैली का सभी ने प्रयोग किया है, सभी ने तसव्वुफ की महत्ता को व्यक्त किया है, इस्लाम धर्म की महत्ता, हजरत पैगंबर और हजरत अली की तारीफ, 12 इमामों की तारीफ, प्रकृति वर्णन, नारी सौंदर्य का वर्णन, युद्ध के जीवंत चित्र उपस्थित करना, प्रेम की महत्ता को स्थापित करना, धर्म के स्थान पर मित्र या इंसानियत को महत्व देना, लोक कथाओं को आधार बनाकर जनभाषा का प्रयोग करना, मसनवियों का निर्माण करना, राष्ट्र प्रेम, जन्मभूमि प्रेम और दखनी भाषा से प्रेम करना आदि इस समय के साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिकालीन दखनी साहित्य के अध्ययन संशोधन की जरूरत चाहे हिंदी के माध्यम से हो या उर्दू के माध्यम से, इससे तत्कालीन इतिहास के सच्चे रूप को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे हमारे देश में एकता, बंधुता एवं मित्रता स्थापित करने में योगदानी होगा। धन्यवाद।